बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एला परसलान एपिसोड 46 के हवाले से। आज के हमारे मौजूदात कुछ यूँ रहेंगे, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा सुल्तान तुगरल ने कहा कि एला परसलान को मेरे पास लाओ, तख्त पर हक एला परसलान का है। क्या अहमद वज़ीर इसके अलावा सुलमान बे इसे तख्त हासिल करने में मदद करेंगे या कि इसका इख्तलाफ करेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे क्या एला परसलान वसपुरा कान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा हम गोहर और रेटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। तमाम तरह दिलचस्प और अहम मालूम जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं माजरत हुआ हूँ, मेरे गले में दर्द है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आज कुछ क्लियर नहीं है। चलते हैं अपने मौजूद की जानब। सुल्तान तुगरल ने कहा कि एला परसलान को मेरे पास लाओ। इस पर बात करने से पहले बात करते हैं क्या एला परसलान खुरसान और वसपुरा कान को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले एला परसलान वसपुरा कान हासिल करने की कोशिश करेंगे, मगर एला परसलान वसपुरा कान हासिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि लियोन एक बहुत ही बहादुर विलन है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये गैरगोर इसके अलावा अलेक्जेंडर की तरह बोजदिल कमांडर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही समझदार है। जैसे कि आपने देख लिया होगा, एक तरफ वसपुरा कान जबकि दूसरी तरफ फौजी हेडक्वार्टर और तीसरी तरफ सोमरी बाजार भी इन्होंने हासिल कर लिया है। आने वाली एपिसोड बहुत ही शानदार होगी। अगर बात करें खुरासान की, सबसे पहले एला परसलान रे महल में जाएंगे और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एला परसलान को ये मालूमात कौन देगा? जैसे कि अहमद वज़ीर और सुलमान पे आपस में बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हाजी इनकी बातें सुन लेता है। यकीनी तौर पर हाजी एला परसलान को इस तमाम वाक़ियात से आगाह करेगा। इस तरह ट्रेलर में भी हमने देखा सफीरिया और एला परसलान रे शहर की तरफ जा रही हैं। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं आने वाली एपिसोड बहुत ही शानदार होगी। सुलमान जैसे कि बुरी तरह शिकस्त खा गया है, इसी तरह दो एपिसोड के बाद हम देखेंगे कि सुल्तान एला परसलान ही बनेगा। इस तरह वो खुरासान भी ले लेंगे, वसपुरा कान, इसके अलावा सोमरी बाजार और इसके साथ साथ वो हेडक्वार्टर भी दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर बात करें गोहर हाथों की, जैसे कि उसकी नादानी की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ, इन तो हम कह सकते हैं कि एला परसलान गोहर को इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। अगर बात करें रेटिंग की, तो इस बार रेटिंग 6.54 रही, जो कि बहुत शानदार है। एला परसलान की फॉर्म अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।